तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने अपनी साइकिल में देख सकते हैं जो कि लगाया है KTM साउंड वाला साइलेंसर। गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमने इसके अंदर लगा चुका है, जो कि एक बोतल को इसे काट के और इसके अंदर पत्ती एक जो फिट की हुई है हमने, इसमें इसे चलाने के बाद इसके अंदर से साउंड निकलता है। अभी गाइज हम इसको थोड़ा सा इसे चला के दिखाते हैं और आपको इसकी आवाज सुनाते हैं। देख सकते हैं गाइज, यही सिस्टम फिलहाल हमने अपनी इस वाली साइकिल में भी किया है। इसमें कुछ हमने ज्यादा साइलेंसर वगैरह नहीं लगा, बल्कि एक ये छोटी सी बत्ती है जो कि हमने बोतल काट के लगाई हुई है। इसका साउंड भी काफी अच्छा आता है। इसे भी आपको एक बार चला के दिखा देते हैं। तो गाइस दोनों का साउंड काफी अच्छा आता है, देख सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, एक बोतल की पत्ती लेके इसके नीचे लगा देनी है। इसमें गाइस हमने थोड़ा सा वो किया हुआ है, जो कि इसमें एक बोतल काट के कुछ साइलेंसर टाइप बनाया हुआ है। चलाने में इसमें गाइस दो तरह की आवाजें निकलती है। तो गाइस इस साइकिल में दो तरह की आवाज निकलती है और इसमें फिलहाल एक ही तरह की। इसमें गाइस अगर हम ढक्कन लगा के इसकी साउंड सुनाएंगे तो अलग आएगी, और ढक्कन हटाएंगे तो साउंड अलग आएगी। तो गाइस सबसे पहले आपको ढक्कन लगी हुई साउंड तो आपने सुनी ली होगी। इससे पहले जो हमने सुनाई थी वो उसमें ढक्कन ही लगा हुआ था। अभी फिलहाल हम इसको ढक्कन हटाएंगे और फिर आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। इसका ढक्कन खोल लेते हैं और फिर गाइस इसका साउंड सुनाते हैं हम आपको। तो गाइस देख सकते हैं हमने इसका ढक्कन फिलहाल हटा दिया है, अभी आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसमें दो तरह की आवाज निकली है, ढक्कन हटा के अलग निकली थी और ढक्कन लगा के दूसरी तरह की। तो चलिए अब इसे चला के भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से साउंड आती है। तो अभी गाइस आपको इस वाली साइकिल का साउंड सुनाते हैं। इस साइकिल का साउंड इस वाली से ज्यादा है उस वाली का, तो इसमें देख सकते हैं कम बजट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें, मतलब इसकी आवाज कम आती है।